अनियमितताओं के खिलाफ अक्सर पुलिस छापेमारी की खबरें सामने आती रहती है। बता दें, एक ऐसा ही मामला हांसी से सामने आया, जहां शुक्रवार को हांसी पुलिस ने कॉलेज के सामने रोड पर कई कैफे पर छापे मारकर जांच किया। डीएसपी विनोद शंकर की अगुवाई में 5 कैफे पर छापेमार कार्रवाई की गई और कैफे मालिकों को कैफे में चल रहे अनियमितताओं को लेकर आदेश दिया। साथ ही डीएसपी विनोद शंकर ने कैफे मालिकों को कहा है कि अगर वह अनियमितताओं को ठीक नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये कुछ कैफे हैं, एसडी कॉलेज है नजदीक में लड़कियों का, तो लोकल कुछ शिकायत थी कि पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। उस संबंध में इंस्ट्रक्शन दिए गए, कैफे के अंदर किसी प्रकार के कोई बेड गद्दे वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ चेयर और टेबल लगाएंगे। कितने कैफे पे आपने चेकिंग की है सर? 4-5 कैफे जो आसपास हैं सर। कोई बेड वगैरह गद्दे मिले हैं किसी को? हाँ, लगे हुए हैं बेड, लगे हुए हैं गद्दे। हाँ, शाम तक का टाइम दिया गया, बिल्कुल खाली करवा देंगे। जानकारी के मुताबिक पुलिस को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी इन कैफों में अवैध धंधा चलता है, और जब पुलिस ने इन कैफे के अंदर जाकर देखा तो 2 केबिन बने हुए थे जिनमें गद्दे और बेड मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने कैफे मालिकों को सख्त आदेश दिया, इनको यहां से हटाया जाए, नहीं तो पुलिस इन अनियमितताओं के खिलाफ मामला दर्ज करेगी।